क्लास नाइन चैप्टर टिशू। इस पार्ट में हम जानेंगे एनिमल टिशूज़ के बारे में, इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। मेनली एनिमल टिशूज़ को फोर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एपिथेलियल टिशूज़, मस्कुलर टिशूज़, कनेक्टिव टिशूज़ एंड नर्वस टिशूज़। सबसे पहले हम चलते हैं एपिथेलियल टिशूज़ पर। एपिथेलियल टिशूज़ जो होते हैं प्रोटेक्टिव टिशूज़ होते हैं एनिमल बॉडीज़ के अंदर। ये टिशूज जो होते हैं एक या एक से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल में दिखते हैं एंड इन्होंने हमारी बॉडी के ज़्यादातर पार्ट्स को कवर करके रखा है। जो एनिमल्स होते हैं उनके ज़्यादातर बॉडी पार्ट्स को इन्हीं एपिथेलियल टिशूज के द्वारा कवर किया जाता है। और ये जो होते हैं टाइटली पैक होते हैं और एक कंटिन्यूस शीट टाइप के होते हैं। ये कुछ इस तरीके होते हैं जिस तरीके की एक लेयर होती है सीट ऑफ द फ्रूट, जैसे फ्रूट के ऊपर कवरिंग होती है पील्स की, उस तरीके से ये हमारी बॉडी पे कवर होते हैं। इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। और साथ साथ ये अलग बॉडी पार्ट को सेपरेट रखने के लिए भी एक बैरियर टैग प्रोड्यूस कर देते हैं। स्किन एंड बॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन, जैसे स्किन हुई और बॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन जैसे माउथ, एलिमेंट्री कैनल, लंग्स हैव एक्सटर्नल इंटरनल एपिथेलियल कवरिंग। इनके बाहर और अंदर एपिथेलियल कवरिंग होती है। एपिथेलियल टिशूज जो होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर के पाए जाते हैं एंड हेल्ड एट अ इंटरसेलुलर जंक्शन एंड सेल रेस्ट अपॉन ए नॉन सेलुलर लेयर नोन एज बेसमेंट और नॉन वैस्कुलर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। हम समझते हैं मेन फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिशूज। एपिथेलियल टिशूज जो होते हैं उनके मेन फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम डिहाइड्रेशन इन्फेक्शन एंड इंजरीज। जो सबसे पहले ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए, केमिकल हार्मफुल केमिकल जो हमारी बॉडी पे आते हैं उससे बचाता है हमारी बॉडी को। एंड अब्जॉर्प्शन, एपिथेलियल टिशू लिनिंग इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ट्यूबल्स हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अदर न्यूट्रिशन। एक्सक्रीशन, ये किडनी से रिमूवल ऑफ वेस्ट करने की हेल्प करता है। सीक्रेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड सेंसेशन, हमारे नोज ईयर इन सब के पास एपिथेलियल टिशूज होते हैं। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिशूज, हमने एपिथेलियल टिशूज को लेयर के बेसिस पर, सेल टिशूज पर, सेल के शेप के बेसिस पर एंड फंक्शन के बेसिस पर अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स। अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स के बेसिस पर जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो दो पार्ट में क्लासिफाई हुए हैं। पहला सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज एंड सेकेंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। सिंपल और यूनिलेमिनर एपिथेलियल इज द कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। मीन टू से सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज में केवल एक लेयर होती है, एपिथेलियल टिश्यूज की केवल एक लेयर होती है रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे केवल एक ही लेयर होती है। इट इज प्राइमरी फंक्शन आर सीक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसके जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं सीक्रेशन करना और अब्जॉर्प्शन करना। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज, जैसे सिंपल एपिथेलियल में केवल एक ही लेयर थी सीट की सेल वाइज, वहीं कंपाउंड एपिथेलियल में मोर देन वन लेयर ऑफ सेल, एक से ज़्यादा सेल होती है। एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन जो होता है प्रोटेक्शन होता है और ये फाउंड की जाती है स्किन पर, जो हमारी स्किन होती है उसमें ये पाई जाती है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप, सेल के शेप के अकॉर्डिंग हमने उन्हें चार पार्ट में कैटेगराइज किया है। स्क्वामस एपिथेलियल, क्यूबॉइडिकल एपिथेलियल, कॉलमर एपिथेलियल एंड सिलिकेटेड एपिथेलियल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप, स्क्वामस एपिथेलियल इट कंसिस्ट ऑफ थिन फ्लैट डिस्क लाइक और स्केल लाइक सेल। थिन फ्लैट लाइक सेल्स जो होते हैं वो होते हैं एंड सेल इन इट आर क्लोजली फिटेड लाइक अ टाइल इन अ फ्लोर। ये कुछ इस तरीके फिट होती हैं सेल, जैसे टाइल होता है ना फ्लोर पर, उस तरीके से ये सेल फिट होती हैं। एंड न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द सेल इज फ्लैटेंड लाइक सेल।
न्यूक्लियस होता है इनके मिडल में पेंट होता है, फ्लैटेंड होती है, इसको एंड स्क्वैमस एपिथेलियल लेनिन एबलोइज ऑफ लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। एबलोइज जो होती हैं जो लंग्स के अंदर पेंट होती हैं, जो एक्सचेंज ऑफ गैस करने में मदद करती हैं, वहाँ पेंट होती हैं। ब्रोमिन कैप्सूल ऑफ किडनी, किडनी में ब्रोमिन कैप्सूल होता है, वहाँ पर फिल्ट्रेशन के काम आते हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन के। एंड मैनी ऑफ द ऑर्गन्स वेयर एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस, हमें स्क्वैमस टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज देखने को मिलते हैं। अगले क्यूबर्डियल एपिथेलियल, दिस एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ क्यूबर्डिकल एंड आइसोडायमेट्रिक, मतलब कि क्यूबर्डिकल एपिथेलियल जो होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक और क्यूबर्डिकल शेप के होते हैं। एंड सेल डेट आर अबाउट एज टॉल एज वाइड, और ये बहुत जितने लंबे हो सकते हैं उतने लंबे हो सकते हैं। दे पजेस स्पेरिकल न्यूक्लियस एट देयर सेंटर, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो स्पेरिकल टाइप का होता है और वो भी सेंटर में। इट इज फाउंड इन सम पार्ट ऑफ सलाइवा, नो इट इज फाउंड इन सम पार्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, यस एंड किडनी ट्यूबल्स, किडनी ट्यूबल्स एंड सलाइवरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड्स के अंदर क्यूबर्डिकल एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो लिनिंग द गोन्स वेयर इट इज जर्मिनल एपिथेलियम, ये गोन्स के पास भी आता है जहाँ पे से जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यूज बोला जाता है। इसके बाद अगला है हमारा कॉलमनर एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियल इट कंसिस्ट ऑफ टॉल पिलर लाइक, ये जो होते हैं टॉल पिलर लाइक होते हैं कॉलमनर जो होते हैं, और कॉलम लाइक सेल, और कह सकते हैं कॉलम लाइक सेल होते हैं। ईच मच टॉलर देन ब्रिथ, हर किसी की जो टॉलनेस होती है वो ब्रिथ से ज़्यादा होती है कॉलम टाइप में। देयर न्यूक्लियस मे बी हैव पेरिएबल पोजिशन, इसके न्यूक्लियस की जो पोजिशन होती है वो अलग अलग हो सकती है। इट इज फाउंड इन द लिनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड फेलोपियन ट्यूब एंड यूरेटर ईटीसी, ये एलिमेंट्री कैनल फेलोपियन ट्यूब एंड यूरेटर के अराउंड एरिया में पाई जाती हैं। अनदर सिलिकेटेड एपिथेलियम टिश्यूज, इट कंसिस्ट ऑफ सेल दैट बियर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सिलिकेट टिश्यूज जो होते हैं इनके बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ऑन इट एक्सटर्नल सरफेस, बाहरी सरफेस पर। सेल इन इट मे बी क्यूबर्डिकल और कॉलमनर इन शेप, जो सिलिकेट टिश्यूज में जो सेल होते हैं वो कॉलमनर और क्यूबर्डिकल हो सकती हैं। सिला हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, और सिला जो होते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस में हेल्प करते हैं। इट इज फाउंड इन किडनी, ये किडनी में पाए जाते हैं, ट्यूबल्स में पाए जाते हैं, ट्रेचियन ओविडक्ट में पाए जाते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, थर्ड क्लासिफिकेशन, फंक्शन के बेसिस पर जो एपिथेलियल टिश्यूज को कैटेगराइज किया जाता है वो होते हैं सेंसरी एपिथेलियम, एक्सक्रेटरी एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियल। तो सेंसरी एपिथेलियम टिश्यूज जो सेंस करने में हेल्प करते हैं, एपिथेलियम फॉर्मिंग द सेंस ऑर्गन, जो कि सेंस ऑर्गन बनाने में हेल्प करते हैं, वही सेंसरी एपिथेलियम होते हैं। जैसे सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से, जैसे आई, नोज, ईयर, ईटी। एक्सक्रेटरी एपिथेलियम जो वो टिश्यू सेल्स टिश्यू जो होते हैं जो कि लिनिंग और ब्रेन कैप्सूल एंड यूनिफेसस ट्यूबल्स बनाते हैं उन्हें, और मेनली उनका फंक्शन एक्सक्रेटरी फंक्शन होता है। ऐसे ट्यूबल्स को हम ऐसे टिश्यूज को हम एक्सक्रेटरी एपिथेलियम कहते हैं। इनके एग्जांपल ब्रोमिन कैप्सूल एंड यूनिफेरियस ट्यूबल्स जो कि जहाँ पे पाए जाते हैं। फिर जर्मिनल एपिथेलियम इट फॉर्म द इनर लिनिंग ऑफ गोन्स, जो गोन्स की इनर लिनिंग बनाते हैं, गोन्स जैसे टेस्ट एंड ओवरीज की इनर लिनिंग बनाते हैं, और इट प्रोड्यूस गैमेट्स, और एक गैमेट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम लिनिंग द ग्लैंड्स ऑफ प्रोड्यूस यूजफुल सिक्रेशन, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होते हैं वो वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर ग्लैंड्स पैदा होती हैं, एंड जहाँ सिक्रेशन होता है वहाँ वहाँ पर हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। तो हमने एपिथेलियम टिश्यूज को ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स
ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज किया। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यूज ने हमने ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल थे। सेल के शेप पे स्क्विमस एपिथेलियम, क्यूबोडियल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम एंड सिलिकेट एपिथेलियम। उसमें हमने फंक्शंस देखे थे, सेकेंडरी एपिथेलियम, एक्सक्रीटरी एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम एंड ग्लैडुलर एपिथेलियम। इसके बाद नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं? मस्कुलर टिश्यूज सभी ऑर्गन्स जो होते हैं मसल से मिलकर बने होते हैं, उनके अंदर मसल्स होती हैं। अबाउट 40-50% वेट किसी भी ऑर्गन का जो होता है उसकी मसल्स की वजह से होता है। एंड मसल टिश्यू जो होते हैं मसल सेल से मिलकर बने होते हैं, मसल फाइबर से मिलकर बने होते हैं। इनके अंदर पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है स्टिमुलस की टवार्ड। एंड इसी की वजह से जो एक ऑर्गन होता है सीधा खड़ा हो पाता है और किसी चीज को उठा पाता है, और ये अलग पार्ट पर पाए जाते हैं। मेनली मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटन, और यानी वॉलेंट्री मसल्स को हम स्केलेटन मसल भी कहते हैं, स्ट्रेट मसल भी कहते हैं, अनस्ट्रेट मसल्स और स्मूथ मसल और इनवॉलेंट्री मसल्स सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप कार्डियक्स मसल, कार्डियक्स मसल जो दिल में पाए जाते हैं। अब देखिए वन बाय वन करके हम इन्हें समझते हैं। स्ट्रेट मसल और स्केलेटन मसल और वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री मसल मीन टू से दीज मसल आर अटैच टू बोन्स। ऐसी मसल्स जो बोन से अटैच रहती हैं उन्हें हम स्केलेटन मसल्स कहते हैं। एंड दीज मसल्स आर वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मीन टू से इन आवर कंट्रोल और अंडर इन आवर ब्रेन कंट्रोल। हम अपने हाथ को ऊपर उठा सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है। एंड दीज मसल्स जो होती हैं कहाँ कहाँ मिलती हैं? बॉल्स में, लिम्ब्स में, टंग में एंड पैरेक्स में, यहाँ पर ही हमें मसल्स देखने को मिलती है। ईच स्ट्रेट मसल कंसिस्ट ऑफ मैनी मसल फाइबर, बहुत सारे मसल्स मिलकर के मसल फाइबर एक स्ट्रेट मसल को बनाते हैं, और ये एक साथ मिलकर कनेक्टिव टिश्यूज क्रिएट करते हैं। एंड मेन फीचर जो स्ट्रेटेड मसल्स की हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल नॉन टेपरिंग अनब्रांच्ड। ये सिलेंड लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, नॉन टेपरिंग होते हैं और अनब्रांच होते हैं। सिलेंड्रिकल शेप में नॉन टेपरिंग अनब्रांच्ड। एंड दे हैव मल्टी न्यूक्लिएट, ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, न्यूक्लियस हैज स्पेंडिकल शेप एंड आर पेरिफेरल इन पोजिशन। दे शो ट्रांसवर्स अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, ये ट्रांसवर्स अल्टरनेट लाइट दिखाते हैं एंड डार्क वेंट दिखाते हैं, और स्ट्रेट्स, और स्ट्रेट्स होने की स्ट्रेशन होने की वजह से ही इन्हें स्ट्रेट मसल कहते हैं, स्ट्रिप मसल्स, जैसे स्ट्रिप इनके अंदर स्ट्रिप टाइप का स्ट्रक्चर स्ट्रिप होती है, इसलिए स्ट्रिप मसल भी कहते हैं। एंड ईच फाइबर इज कवर्ड बाई अ मेम्ब्रेन कॉल स्केलोकोलेमा, स्केलोकोलेमा। एंड दे एक्ट क्विकली व्हाट फैटिग्यू वेरी कॉमन, ये बहुत जल्दी एक्ट करते हैं लेकिन रेस्ट में थोड़ा धीरे से आते हैं। अनस्ट्रेटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स, ये मसल्स वो मसल्स होती हैं जो कि किसी स्केलेटन से कनेक्ट नहीं होती। दीज मसल्स आर फाउंड इन द बॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, हॉलो ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी बॉल्स में ये वाली मसल्स पाई जाती हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनल्स, ब्लड वेसल्स, जेंटल डक्ट, यूरेटर, ब्रोंकी, एस, ईटीसी। एंड दी आर ऑल्सो कॉल्ड वेसिकल मसल्स, दे आर इनवॉलंटरी मसल्स बिकॉज दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन। ये इनवॉलंटरी मसल्स भी होते हैं क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स जो इनमें हमें देखने को मिलते हैं वो इस तरीके से हैं, दीज आर लॉन्ग थिन अनब्रांच एंड पॉइंटेड, ये लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं एंड पॉइंटेड होते हैं, एंड साथ ही साथ अनब्रांच भी होते हैं। ये ईच स्मूथ फाइबर हैज ओनली वन न्यूक्लियस,
एक स्मूथ फाइबर के पास केवल एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस लाइक इन द सेंटर, जो कि न्यूक्लियस सेंटर पर लाइक करता है। दे डू नॉट शो एनी स्ट्रेट और स्ट्रिप अक्रॉस द मसल फाइबर, और इनके अंदर कोई स्ट्रेट या स्ट्रिप देखने को हमें नहीं मिलता है। दे आर नॉट कवर्ड बाई स्क्लेरोलेमा, दे एक्ट स्लोली बट डू नॉट गेट फैटिक्यू, ये काम धीरे धीरे करते हैं लेकिन फैटिक्यू नहीं होते। कार्डिक्स मसल, कार्डिक्स मसल इज फाउंड ओनली इन आवर हार्ट, कार्डिक्स मसल जो होती है केवल हमारे दिल के अंदर पाई जाती है और ये इन्वॉलंटरी मसल से मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। एंड कार्डिक्स मसल फाइबर है फॉलोइंग इम्पोर्टेंट फीचर, और इनके अंदर इम्पोर्टेंट फीचर किस तरीके से होती हैं। कार्डिक्स मसल फाइबर आर कंपेरेटिवली शॉर्टर एंड थिकर, शॉर्ट होती है, थिक होती है, सिलेंडर स्कल शेप में होती है, ब्रांच्ड होती है। एंड दे आर यूनिन्यूक्लिएट विद सेंट्रल न्यूक्लियस, यूनिन्यूक्लिएट होती है विद सेंट्रल न्यूक्लियस। एंड दे आर फेट क्रॉस स्ट्रेशन, एंड कार्डिक मसल फाइबर आर जॉइंट एंड टू एंड बाय इंटरकलेटेड डिस्क, इंटरकलेटेड डिस्क टाइप में एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं और ये फैटिक्यूड नहीं होते, और इनके अंदर हमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो देखिए, हमने जाना स्ट्रेट मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक्स मसल्स के बारे में। अब हम वन बाय वन करके इनके बीच में डिफरेंशन देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट मसल्स जो होती हैं, तीज मसल्स आर सिलेंड्रिकल अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएट, ये मसल्स जो होती हैं स्ट्रेट मसल्स सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच होती हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। वहीं स्मूथ मसल्स, दीज मसल्स आर स्पेंडिकल शेप एंड अनब्रांच एंड अननूक्लिएट, मीनू से स्पेंडिकल होती हैं, अनब्रांच होती हैं और न्यूक्लिएट होती हैं। कार्डियक्स मसल जो होती हैं सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच होती हैं और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। इन स्ट्रेट मसल के अंदर स्क्लेरोलेमा प्रेजेंट होता है और स्मूथ मसल्स में भी एब्सेंट होता है एंड कार्डियक्स मसल्स में प्रेजेंट होता है। डिस्टेंस, लाइट एंड डार्क वेंट आर प्रेजेंट, स्ट्रेट मसल्स में डिस्टेंस, लाइट एंड डार्क वेंट प्रेजेंट होते हैं एंड स्मूथ मसल में ये एब्सेंट होते हैं। एंड इन डिस्टेंस लाइट एंड डार्क वेंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि उनको बीच में फर्क नहीं किया सकता। एंड स्ट्रेट मसल्स में इंटरकलेटेड डिस्क, इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है और स्मूथ मसल में इंटरकलेटेड डिस्क एब्सेंट होती है। एंड कार्डियक्स मसल्स में इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट एट एंड ऑफ द फाइबर, और उसके फाइबर के एंड में। स्ट्रेट मसल जो होती हैं वो वॉलंटरी होती हैं, स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होती हैं और कार्डियक्स मसल भी इनवॉलंटरी होती है। स्ट्रेट मसल दे गेट सून फैटिग्यू, स्मूथ मसल दे डू नॉट गेट सून फैटिग्यू एंड कार्डियक्स मसल दे नेवर गेट फैटिग्यू, कभी थकते नहीं। एंड स्ट्रेट मसल्स फाउंड की जाती है बॉडी बॉल्स, लिम्स, टंग, स्पायरिक्स। एंड स्मूथ मसल पाई जाती है स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स। एंड कार्डियक्स मसल केवल दिल के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं सबसे ज़्यादा टाइप या सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये जो होते हैं बोन और कार्टिलेज से हार्ड हो सकते हैं, बोन एंड कार्टिलेज जैसे हार्ड होते हैं एंड फ्लूइड होते हैं ब्लड जैसे। एंड दीज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल, और इनके अंदर बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं विच आर बैडली स्पेस्ड इन द मैट्रिक्स और मीडियम, जो कि बैडली स्पेस्ड होते हैं मैट्रिक्स और मीडियम के अंदर। और मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज जो होती है अपने अंदर प्रोटीन फाइबर कंसिस्ट रखती है ब्लड और लैम को छोड़ करके। एंड प्रोटीन फाइबर जो होती हैं दो तरीके की होती हैं, एक तो कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर विच आर वाइट थिक एंड स्ट्रॉन्ग, कोलेजन फाइबर ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि वाइट कलर के होते हैं, थिक और स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकेंड इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर विच आर येलो एंड थिन, येलो और थिन होते हैं। तो और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो बाइंडिंग करना, सपोर्ट देना, पैकेजिंग करना टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एंड इनका अदर फंक्शन जैसे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना, फैट स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ये भी इन्हीं के फंक्शन होते हैं। कनेक्टेड टिश्यूज को मेनली तीन कैटेगरी में
डिवाइड किया जाता है, कनेक्टिव टिशू प्रॉपर, स्केलेटल टिशू एंड वैस्कुलर टिशूज। कनेक्टिव टिशू जो होते हैं तीन तरीके होते हैं, कनेक्टिव टिशू प्रॉपर, स्केलेटल टिशू एंड वैस्कुलर टिशूज। स्केलेटल टिशू प्रॉपर चार तरीके होते हैं, एरियोलर टिशूज, एडिपोज टिशूज, टेंडन, लिगामेंट। स्केलेटल टिशूज दो तरीके होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन्स, एंड वैस्कुलर टिशूज या फ्लूड कनेक्टिव टिशूज, ब्लड एंड लाइम। हम वन बाई वन करके समझते हुए चलते हैं। कनेक्टेड टिशू प्रॉपर, कनेक्टेड टिशू प्रॉपर जो होते हैं वो टिशूज जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं। कनेक्ट टिशूज प्रॉपर हैव सॉफ्ट जेल लाइक मैट्रिक्स, जेल लाइक मैट्रिक्स होती है और इन्हें चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला एरियोलर टिशूज, सेकेंड एडिपोज टिशूज, थर्ड लिगामेंट टिशूज एंड फोर्थ टेंडॉन्स। एरियोलर टिशूज पे चलते हैं हम। एरियोलर टिशूज जो होते हैं पैकेजिंग टिशूज होते हैं और इनके अंदर प्रोटीन फाइबर्स का प्रोटीन फाइबर मैट्रिक्स जो होता है लूज नेटवर्क होता है और लूज नेटवर्क होने की वजह से ही इन्हें एरियोलर टिशूज कहते हैं। और ये टिशूज जो होते हैं पाए जाते हैं स्किन एंड मसल्स के बीच में, अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। ये जो होते हैं फिल होते हैं इनसाइड द ऑर्गन एंड सपोर्ट द इंटर ऑर्गन, और इंटर ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं फिल, और साथ ही साथ अगर कोई डैमेज होता है तो उसे रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। तो क्या क्या फंक्शन हुए इनके, सबसे पहले पैकेजिंग ऑफ टिशूज करती हैं एंड साथ साथ लूज नेटवर्क होने की वजह से इन्हें एरियोलर के टिशू कहते हैं, और ये स्किन मसल ब्लड वेसल्स नर्व्स एंड बोन मैरो के अराउंड पाए जाते हैं, और ये इंटरनल ऑर्गन को रिपेयर करते हैं, और ये जो अगर वो डैमेज हो चुके हैं या कुछ उनमें परेशानी आ गई है तो। सेकेंड टाइप और कनेक्ट होते हैं एडिपोज टिशू। इन दिस टिशू मैट्रिक कंटेंट फैट स्टोरिंग सेल, ये जो होते हैं फैट स्टोरिंग सेल होते हैं, एंड इट इज फाउंड अंडर द स्किन वेयर इट एक्ट एज हीट इंसुलेटर, और ये स्किन के अंदर पाए जाते हैं वहाँ पे ये हीट इंसुलेटर मतलब हीट के इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, हीट को पास नहीं देते। एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन बोन मैरो अराउंड किडनी एंड आई वॉल, ये बोन मैरो में पाए जाते हैं किडनी और आई वॉल के अराउंड। द सेल ऑफ दिस टिशू आर फिल्ड विद अ फैट ग्लोबुल्स, ये जो टिशू होते हैं फैट ग्लोबुल्स से फिल्ड होते हैं। लिगामेंट्स, लिगामेंट्स क्या होते हैं, दे आर मेड अप मोस्टली ऑफ इलास्टिन फाइबर, ये इलास्टिन फाइबर से बने होते हैं, एंड दे आर हाईली इलास्टिक एंड हैव कॉन्स्टेबल स्ट्रेंथ, ये हाईली इलास्टिक होते हैं और उनके अंदर कॉन्स्टेबल स्ट्रेंथ होती है, और जो उनके अंदर मैट्रिक्स या फ्लूड टाइप का सब्सटेंस होता है वो भी थोड़ा कम होता है। और इनका जो फंक्शन होता है लिगामेंट्स का, बोन एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने का होता है। लिगामेंट्स इलास्टिक फाइबर होते हैं एंड दे आर हाईली इलास्टिक होते हैं एंड कॉन्स्टेबल स्ट्रेंथ, इनके अंदर स्ट्रेंथ भी पाई जाती है एंड वेरी लिटिल मैट्रिक्स होती है, और इनका फंक्शन बोन टू बोन कनेक्शन होता है। फोर्थ टेंडन्स, टेंडन जो होते हैं वाइट कॉलेजन फाइबर्स होते हैं एंड ये टफ होते हैं और इन इलास्टिक होते हैं। इनका फंक्शन जो होता है मसल टू बोन को कनेक्ट करना है, बोन को मसल से कनेक्ट करना होता है, एंड इट टेंडन हैज ग्रेट स्ट्रेंथ बट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इज लिमिटेड, जैसे एक टेंडन के अंदर स्ट्रेंथ तो बहुत होती है लेकिन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उसमें देखने को नहीं मिलती। नाउ सेकंड स्केलेटन टिश्यूज, स्केलेटन टिश्यूज जो होते हैं इन्हें करेक्टराइज किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ डेंस एंड हाईली मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स, जिनके अंदर डेंस एंड हाईली मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, इट फॉर्म द स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी की स्केलेटन बनाते हैं, एंड ऑल्सो प्रोवाइड द अटैचमेंट टू टेंडन एंड लिगामेंट, और टेंडन लिगामेंट को अटैचमेंट भी देते हैं, और साथ ही साथ जो स्केलेटन टिश्यूज होते हैं वो हमें मूवमेंट एंड लोकोमोशन करने में भी हेल्प करते हैं। ये मेनली दो होते हैं, पहला कार्टिलेज और दूसरा बोन। सबसे पहले चलते हैं कार्टिलेज पर। कार्टिलेज क्या होते हैं, कार्टिलेज सॉलिड बट सेमी रिजिड
कार्टिलेज सॉलिड होते हैं लेकिन सेमी रिजिड होते हैं, ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। इट इज वाइडली स्पेस्ड सेल, ये वाइडली स्पेस में होता है इनका। एंड इट्स मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, इनका जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन से बना होता है। एंड इट इज नोन एज सैंड्रोइट्रिन एंड इज स्लाइटली हार्डन वाई कैल्शियम सॉल्ट, और थोड़ा सा इसे हार्ड बनाया जाता है बाई कैल्शियम सॉल्ट। एंड सैंड्रोइट्रिन इज सीक्रेटेड बाई कार्टिलेज, सैंड्रोइट्रिन जो होता है कार्टिलेज के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। एंड कार्टिलेज सेल आर अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ टू और फोर, कार्टिलेज जो ग्रुप होते हैं दो या चार के ग्रुप में उसे अरेंज किया जाता है। एंड एट स्मूथिन सरफेस एट जॉइंट, इसकी सरफेस जॉइंट पर इसकी सरफेस होती है स्मूथ होती है। एंड इज फाउंड इन द टिप ऑफ द नोज, और इस नोज की टिप पर एक्सटर्नल ईयर ट्रेचिया पायरेक्स के अराउंड पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? कार्टिलेज जो होती है नोज की टिप पर एक्सटर्नल ईयर पीना जिसे कहते हैं ट्रेचिया लारिक्स एंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, और लंबी लंबी हड्डियों के लास्ट में पाया जाता है। इन शार्क फिश द होल स्केलेटन इज कार्टिलेजियस, जो शार्क फिश होती है उसके अंदर सब कुछ कार्टिलेज से ही मिलकर बना होता है। सेकंड बोन्स, जो बोन्स इज मेड अप ऑफ हाईली कैल्सीफाइड, मतलब हाईली कैल्शियम से मिलकर बनी होती हैं। हार्ड एंड रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज, इनके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो हार्ड एंड रिजिड होते हैं। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सीबल टिश्यू, ये हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सीबल टिश्यूज होते हैं। एंड स्मॉल बोन्स आर सॉलिड बट लॉन्ग बोन्स आर ह्यूमरस और फेमर, आर हॉलो इनसाइड, जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं वो अंदर से सॉलिड की जैसी होती हैं लेकिन कुछ बड़ी बड़ी हड्डी जो होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं। एंड इट मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन ओशियन, इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो ओशियन नाम की सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। एंड लॉन्ग बोन हैव अ सेंट्रल कैविटी कॉल्ड बोन मैरो कैविटी, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर सेंट्रल कैविटी से बोन मैरो कैविटी कहते हैं। एंड मैरो कैविटी कंटेन बोन मैरो, और बोन मैरो जो होता है बोन कैविटीज के अंदर पाया जाता है। एंड ब्लड सेल्स जो होते हैं इसी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। नाउ मूव टू वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यूज को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। और मैट्रिक्स ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा, इनमें जो मैट्रिक्स होती है उसे प्लाज्मा कहते हैं। ऑफ दिस लैक प्रोटीन फाइबर, इनके अंदर प्रोटीन फाइबर नहीं होता है। इट ट्रांसपोर्ट मिनरल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इनका जो मेन फंक्शन होता है एक जगह से दूसरी जगह मिनरल्स और सब्सटेंस को ट्रांसफर करना होता है। और ये दो तरीके होते हैं ब्लड एंड लाइम्फ। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक कनेक्टेड टिश्यू होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 6-10% ऑफ द बॉडी वेट, एक बॉडी वेट में 6-10% कंसिस्ट करके रखता है। और 5-6 लीटर होता है एक 17 kg के मैन में। जो ब्लड होता है वो ऑपेक होता है एंड विच इज समवॉट स्टिकी, कुछ टच करने में स्टिकी होता है एंड हैवी होता है वाटर कंपेरिजन में। एंड इट हैज स्लाइटली एल्काइन, ये थोड़ा एल्कलाइन होता है। एंड इट इज 5 times विस्कस इन डिस्टिल वाटर, ये 5 गुना गाढ़ा होता है एज कम्पेयर टू डिस्टिल वाटर। एंड इट लुक ब्राइट रेड कलर, जब ये ऑक्सीजनेटेड होता है इसके अंदर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ब्राइट रेड का दिखता है, और डी ऑक्सीजन जब हो जाता है तो पर्पल कलर का दिखता है। और इसके अंदर दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं हमें, एक प्लाज्मा और जो कार्पसल्स। हम पहले चलते हैं प्लाज्मा पर। प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, और जो कि 55% होता है ब्लड का। एंड इट इज लाइट, ये भी एल्कलाइन ही होता है एंड फेट येलो कलर का होता है, थोड़ा सा येलो कलर होता है इसका। एंड मेजर पोर्शन ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, और प्लाज्मा के अंदर ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो वाटर होता है, 90% वाटर होता है एंड 10% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि इसमें डिजॉल्व होते हैं। और वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंस जो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं वो कुछ तरीके से हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट हैं इसके, कैल्शियम आयरन
फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स, मैग्नीशियम एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट, यूरिया। नाउ ब्लड कैप्सल्स। ब्लड कैप्सल्स जो होते हैं वो दो तरीके, वो फिर तीन टाइप के होते हैं। पहला आरबीसी या इरोथायराइड्स एंड सेकंड ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड ब्लड प्लेटलेट्स, मतलब इक्रोथायरोसाइट्स आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ये तीन ब्लड कैप्सल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं केवल वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं एंड इनका जो रेड कलर होता है उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रिंट होने की वजह से होता है इन ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट मैमल्स। एंड दे हैव ओवल बाइकॉन्वेक्स न्यूक्लिएट होते हैं ये एंड इन मैमल दे हैव बाइकॉन्वेक्स डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। जो मैमल्स होते हैं बाइकॉन्वेक्स और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका विदाउट इन न्यूक्लियस। मेच्योरिटी होने पर मैमल्स के अंदर इनके अंदर न्यूक्लियस भी खत्म हो जाता है एंड अंडर नॉर्मल कंडीशन देयर नंबर इज अबाउट, और एक ह्यूमन नॉर्मल कंडीशन में तो उसकी बॉडी के अंदर 5 to 6 million क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए। लाइफ स्पैन जो होता है आरबीसी का वो 120 दिन का होता है एंड दे प्रोड्यूस फ्रॉम रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होती हैं एंड रेड ब्लड कॉर्पल्स ट्रांसपोर्ट गैस, और रेड ब्लड कॉर्पल्स जो होता है गैस ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स कौन से होते हैं? ये वाइट कलर के होते हैं और कलरलेस होते हैं, न्यूक्लियट होते हैं एंड मोटाइल सेल होते हैं ब्लड के, और इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। दे आर राउंडेड और इरेगुलर सेल। ये राउंडेड हो सकते हैं या इरेगुलर शेप भी हो सकता है इनका। विच आर कैपेबल ऑफ एमिलोइड मूवमेंट, जो कि मूवमेंट करने में कैपेबल होते हैं। ये जो होते हैं लेस होते हैं एज इन नंबर एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स एंड देयर नंबर वेरी फ्रॉम 5,000 to 10,000 पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इन नॉर्मल पर्सन। और ये जो होते हैं हमारी बॉडी के सोल्जर टाइप के होते हैं और ये डिस्ट्रॉय करते हैं हार्मफुल बैक्टीरियाज को और ये अपने पचा जाते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज बनाते हैं हमारी बॉडीज के अंदर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी एंड ऑल्सो इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी, और हम साथ ही साथ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बनाते हैं ये। थर्ड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स दीज अकर ओनली इन ब्लड ऑफ मैमल। प्लेटलेट्स जो होती हैं केवल मैमल के अंदर देखी जाती हैं एंड दे आर नॉन न्यूक्लिएट, इनके अंदर न्यूक्लिएट नहीं होता एंड सेल फ्रेगमेंटेड। सेल जो होते हैं फ्रेगमेंटेड होते हैं, विच आर ओवल और बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स होते हैं, ओवल होते हैं एंड दे आर कलरलेस एंड लैक हीमोग्लोबिन। और ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर कोई कलर नहीं होता और लैक हीमोग्लोबिन भी नहीं होता एंड ये भी रेड बोन मैरो बनते हैं और ये हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब कहीं पर कट जाता है तो उसे रोकने के लिए ये काम आते हैं। सेकंड लाइम्फ। लाइम्फ भी एक कलरलेस फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होता है। लाइम्फ इज ऑल्सो ए कलरलेस फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू। लाइम्फ इज अ फ्लूड सराउंडिंग द बॉडी सेल्स। लाइम्फ इज अ ब्लड विदाउट आरबीसी एंड प्लेटलेट एंड सम प्रोटीन्स। इट इज एसेंशियल फॉर द प्लाज्मा एंड पास आउट थ्रू ब्लड वेसल्स। हटा आएगा तो